हाउ यू ऑल डूइंग वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास टूडे वी आर स्टार्टिंग विद्यू चैप्टर फ्रॉम योर बुक लिटरेरी जर्नीस एंड इंग्लिश रीडर प्री प्राइम बुक बाई ब्रेन रूथ सीरीज सो आज इस चैप्टर का नाम जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है रेकोगनाइजिंग एल्फाबेट रिकोगनाइजिंग का मतलब क्या होता है बच्चों रिकोगनाइजिंग का मतलब होता है पहचानना क्या मतलब होता है रिकोगनाइजिंग का रिकोगनाइजिंग का मतलब होता है पहचानना तो इस चैप्टर के अंदर हम सारे अल्फाबेट्स को पढ़ेंगे और उनको पहचानने की कोशिश करेंगे ठीक है बच्चों चलिए फर्स्ट वी हैव ए देखो ये कैपिटल ए है ये स्मॉल ए है इज फॉर एंड एप्पल एरोप्लेन एलिगेटर ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है बी बी किस किस के लिए हो सकता है बी इज फॉर बस बैर बर्ड बॉय बुक इन सब से इन सब के लिए हम स्टार्टिंग में बी यूज करते हैं ना नेक्स्ट हमारे पास है सी सी फॉर कैट सी फॉर कॉक सी फॉर कार सी फॉर कैमल सी फॉर काव बहुत सारे हो सकते हैं नेक्स्ट है डी डी फॉर डॉग डी फॉर ड्रैगन डी फॉर डॉल्फिन डी फॉर डाक और क्या क्या हो सकता है डी फॉर डाइनसोर डी फॉर और बताइए क्या क्या हो सकता है ड्रम है ना तो आप ड्रम भी लिख सकते हैं नेक्स्ट है ई e. E for engine जिससे train ट्रेन चलती है ना इंजन E for eagle E for elephant E for eggs ठीक है तो ये हमारे सारे E से स्टार्ट हुए होते हुए वर्ड्स हैं नेक्स्ट हमारे पास है F F for fish F for flower F for fountain F for frog राइट right? और भी देख सकते हैं आप और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट हमारे पास है जी जी फॉर ग्रेप्स जी फॉर गोट जी फॉर ग्वावा जी फॉर गर्ल ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है एच जी के बाद क्या आता है एच आता है राइट सो जी फॉर हमने पढ़ लिया अब हम देखेंगे एच H for hat, H for horse, H for helicopter, H for hut. ठीक है ये हमारा H का था I for insect, I for igloo, I for ice cream, I for island. नेक्स्ट हमारे पास है J. J for jackal, J for jeep. J for juice और J for jam भी होता है ठीक है बच्चों Next is K K for kangaroo K for kite K for key K for kiwi okay Next is L L for lion L for lamb lamb क्या होता है बेबी ऑफ अ शीप ओके एल फॉर लाइन भी होता है एल फॉर लॉग भी होता है नेक्स्ट इज एम एम कैपिटल एम और स्मॉल एम आपको दोनों देखने हैं साथ साथ एम फॉर मून एम फॉर मैंगो एम फॉर मंकी एम फॉर माउस ठीक है नेक्स्ट है एम N for newspaper, N for nest, N for nut, N for nurse जो आपको हॉस्पिटल्स में या फिर डॉक्टर के क्लिनिक्स में मिलते हैं ना उनको हम नर्स बोलते हैं O for ox, O for owl, O for octopus, O for ostrich तो ये हमारे सारे O से स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट इज पी पी फॉर peacock, पी फॉर parachute, पी फॉर पपी एंड पी फॉर पी पी मतलब मटर आपको पिक्चर भी दिख रही है क्यू क्यू फॉर quilt, क्यू फॉर क्यू क्यू मतलब जब आप स्कूल में लाइन बना के खड़े होते हो ना उसे हम क्यू बोलते हैं क्यू फॉर क्वीन क्यू फॉर quail. Next is R. R for rain. R for rainbow. R for radish. R for rabbit. Okay. Next is S. S for sun. S for ship. The exact ship ki photo di S for shark. S for shell. Very good. Next is T. पढ़िए मेरे साथ साथ टी फॉर टाइगर टी फॉर ट्री टी फॉर टोमेटो टी फॉर टेंट ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है यू यू फॉर यू फॉर अर्न यू फॉर अम्ब्रेला यू फॉर यूटेंसिल्स यूटेंसिल्स क्या होते हैं बर्तन जो आप, आपके किचन में आप देखते हैं Next is V. V for volcano. V for van. V for vegetables. V for vulture. Okay? Next is W. W for women. W for well. W for wolf. W for whale. Okay? Now, we will X. X for X mystery. X for xylophone. X for X ray. X for Xerox. Okay. Next, next is Y. Y for yach. Y for yuck. Y for yo yo. Y for yarn. So is that clear to everyone? Very good. Last one that we have is Z or Z. So, Z for zebra, Z for zip, Z for zoom, Z for zigzag. Okay, kids? Is that clear to everyone? Yes, it is. Very good. So, now we have understood properly how we have to recognize A to Z. Yes? Perfect. Now that's it for this topic. Thanks for watching. I will meet you in the next video now. Till then, goodbye and take care.